बरेली में हैरान करने वाला मामला सामने आया। शनिवार रात को शादी के दूसरे दिन दुल्हन ने चाय में नशीली दवा मिला दी। इसके बाद सभी को ये कहकर पिलाया कि ये मेरी शगुन की चाय है। कुछ देर बाद सभी को नींद आ गई। 12 घंटे बाद होश आया तो घर में दुल्हन नहीं मिली। अलमारी का सामान बिखरा मिला, सारे गहने और नकदी गायब मिली। दुल्हन पक्ष को फ़ोन किया तो कॉल रिसीव नहीं किया गया। फिर बिचौलियों को फ़ोन किया तो वो भी बंद मिला। इसके बाद दूल्हा पक्ष ने सोमवार को बिचौलिए समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुर काजियान गांव निवासी तुलाराम ने अपने बेटे प्रदीप का रिश्ता उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी अनीता से तय किया था। सगाई के साथ अन्य रस्म होने के बाद 13 अक्टूबर को दोनों की आर्य समाज मंदिर से शादी हुई। शादी के बाद शुक्रवार को नई नवेली दुल्हन ससुराल आई तो मंगल गीत के साथ नाच गाना भी हुआ। दुल्हन के हाथ की पहली चाय पति समेत सभी ससुरालियों को पिलाई गई। चाय पीने के बाद एक एक कर सभी को नींद आ गई। तुलाराम ने बताया कि चाय पीने के बाद पूरा परिवार सो गया। करीब 12 घंटे बाद एक एक कर सभी को होश आया तो सभी को शक हुआ और दुल्हन की तलाश शुरू की गई। मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो घर में भीड़ जुट गई। गाँव भर में दुल्हन की तलाश हुई लेकिन उसका पता नहीं चला, उसका मोबाइल भी बंद मिला। ससुर तुलाराम ने बताया कि वह अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता खोज रहे थे, ऐसी बहु तलाश कर रहे थे कि जो पूरा परिवार संभाल सके। इसी के चलते उनके परिचित चांद बाबू ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए दुल्हन के बहनों राजू से मुलाकात कराई, जिसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से शादी की गई। घटना के बाद जब परिजनों ने दुल्हन के बहनों और बिचौलियों को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी बंद मिला, जिसके बाद पीड़ित परिवार लुटेरी दुल्हन की फ़ोटो लेकर थाने पहुँचा। मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सीबीगंज सतीश कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।